हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? देखो, आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक लेके आया हूँ। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार है। कल की तरह मैथ्स थोड़ी सी लगेगी, उसके अंदर भी मैथ्स यूज करेंगे अपन। ठीक है, तो ये और कर लेते हैं, एक छोटा सा डेरिवेशन है कि देखो, मैं अपन लोगों ने जब प्रतिबिंब निर्माण किया था, जब अपन प्रतिबिंब निर्माण कर रहे थे तो क्या कर रहे थे कि जैसे मान लो ये दर्पण है मेरे पास, अवतल दर्पण है। ओके बच्चों, तो प्रतिबिंब निर्माण के टाइम मैंने आप लोगों को बताया कि ये बच्चों फोकस दूरी होती है, फिर मैंने बोला इसके लगभग इतनी इतनी दूरी, जितनी दूरी पर फोकस दूरी है केंद्र यहाँ से इससे, उतनी दूरी पर ये होना चाहिए, वक्रता केंद्र होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो अपन आज ये प्रूव करके देखेंगे कि ये जो टोटल दूरी होती है ना, ये इसकी दुगुनी होती है। यानी ये दूरी कितनी होगी, आर होगी। ठीक है, ये कितनी होगी, एफ होगी। तो आज अपन प्रूव करेंगे आर इजिकल टू टू एफ, आर इजिकल टू टू एफ, ये दुगुनी दूरी होती है क्या, ये आज अपन प्रूव करके देखेंगे। बहुत ही मजेदार है, आप लोग देखना, ध्यान से एक बार बैठ के देख लो, फिर लास्ट में वीडियो को पॉज करके पूरा एक साथ उतार लेना। पहले दिमाग लगा के बैठो, एकदम मस्त तरीके से खाया पी लिया होगा अभी तक तो आप लोगों ने, ऐसे भी कौन से रहने वाले थे अभी तक। ठीक है, तो देखो ये आप लोगों की क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है आप लोगों की स्क्रीन पे है, देखो दिख रहा होगा आप लोगों को। सिद्ध कीजिए कि छोटे द्वारक के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगुनी होती है। यानी कोई एक छोटे द्वारक का कोई दर्पण है मेरे पास, अवतल दर्पण है, जिसकी वक्रता त्रिज्या होगी वो फोकस दूरी की क्या होगी, दुगुनी होगी। ये अपन लोगों को सिद्ध करना है, प्रूव करना है। तो आप लोग इसको कॉपी के अंदर उतार लो, सबसे पहले क्वेश्चन को उतार लो, उसके बाद में मैं इसका आंसर करूं। तो वो आप लोग क्या करो, उसको वीडियो के को लास्ट में पॉज करना और फिर उतार लेना, साथ साथ मत उतारना, साथ में पूरा ध्यान बोर्ड पे रखो, एकदम समझो। ठीक है, मजेदार है, देखो उतार लिया। अब देखो, मान लो मैं अवतल दर्पण बनाता हूं, अवतल दर्पण की बात करें अपन, अवतल दर्पण बनाता हूं, एक ये अवतल दर्पण। ठीक है बच्चों, अवतल दर्पण बनाया, ये है बच्चों मुख्य अक्ष। ठीक है, ये है ध्रुव है ओ। ठीक है, अब देखो अवतल दर्पण है, इसमें क्या हो रहा है, एक प्रकाश की किरण है जो बच्चों मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है। अब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण, आप लोग बताओ परावर्तन के पश्चात किधर से गमन करती है? यस, कहां से गमन करेगी, फोकस बिंदु से। तो ये बच्चों ऐसे फोकस बिंदु से ऐसे गमन की, ये आ गया बिंदु F। ओके, यहां तक बात क्लियर? ओके बच्चों, अब देखो मान लो यहां पर है वक्रता केंद्र C। ठीक है, वक्रता केंद्र है, मैं क्या कर रहा हूं, एक लाइन है डोटेड लाइन, यहां से ऐसे मिला रहा हूं, या फिर ऐसे मान लो एक प्रकाश की किरण को ऐसे आपतित करा रहा हूं। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि जो वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण गुजरती है वो परावर्तन के पश्चात वापस उसी पथ पर गमन करती है। ये अपन लोग जब अपन ने प्रतिबिंब निर्माण किया था उससे पहले रूल पढ़े थे, नियम पढ़े थे परावर्तन के, नियम पे सॉरी गोले दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के लिए जो नियम पढ़े थे उसके अंदर ये देखा था। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो वक्रता केंद्र से जो प्रकाश की किरण गुजरती है वो ऐसा इस प्रकार से गुजरती है कि वो इस दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। अब जब दर्पण पर लंबवत आपतित होगी प्रकाश की किरण, तो वापिस वो उसी पथ पर गमन करती है। ठीक है, ये अपन लोगों ने कर दिया इतना काम। ठीक है, अब ये बच्चों एक तरीके से लंबवत है, मतलब इसको मैं अभिलंब मान सकता हूं, इसको मैं अभिलंब मान सकता हूं, ये लंबवत है तो मतलब ये अभिलंब हो गया। तो बच्चों ये अभिलंब हो गया तो ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। ओके, अब आपतित किरण अभिलंब के साथ में कोण बनाती है एक, जिसको अपन बोलते हैं आपतन कोण, और जिसको लिखते हैं कोण आई से। ठीक है, अब ये परावर्तित किरण है, ये भी अभिलंब के साथ में कोण बनाती है, जिसको अपन लिखते हैं कोण आर से। बच्चों यहां तक क्लियर? बोलो बोलो बच्चों, बात समझ में आई? आपतित किरण अभिलंब के साथ में कोण बनाती है, उसको आपतन कोण बोलते हैं और इसको आई से लिखते हैं। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बनाती है उसको आर से लिखते हैं, वो परावर्तन कोण होता है। अंडरस्टैंड? आगे बढ़े। ठीक है बच्चों, मैं इनको नाम दे देता हूं, जैसे मान लो इसको मैंने बोल दिया पी, इसको मैंने बोल दिया क्यू। ठीक है, समझ में आई बात, ये बोल दिया। अब अपन को प्रूव क्या करना है, देखो आप लोग समझो,
ये जो दूरी होती है, ये जो दूरी है बच्चों, ये जो दूरी होगी इसको अपन एफ बोलते हैं, फोकस दूरी। ये फोकस दूरी होती है। और ये क्या होती है बच्चों, वक्रता केंद्र से जो दूरी होती है, वक्रता केंद्र से जो दूरी होती है इसको अपन कैपिटल आर लिखते हैं। वक्रता केंद्र से जो दूरी होगी इसको अपन क्या लिखेंगे, कैपिटल आर। अपन को प्रूव क्या करना है, आर इजिकल टू, अपन को प्रूव करना है आर इजिकल टू टू एफ, यानी जो वक्रता त्रिज्या है ये फोकस दूरी की दोगुनी है। प्रश्न को पढ़ लो, यही तो पूछा है, तो ये अपन को प्रूव करना है। ठीक है, तो कल की तरह पहले अपन एक चीज काम में लेंगे, फिजिक्स की, उसके बाद में मैथ्स। ओके, देखो शुरुआत करते हैं अपन। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि ये कोण आई और कोण आर दोनों बराबर होंगे? कोण आई और कोण आर दोनों बराबर होते हैं। क्या आप लोगों को पता है परावर्तन का नियम यही था, कोण आई बराबर कोण आर, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण था परावर्तन का नियम। तो मैं लिख दूं क्या, परावर्तन के नियम से शुरुआत हो रही है, ध्यान से देख लो बैठ के आराम से। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम से, देखो परावर्तन के नियम से बच्चों क्या आएगा, परावर्तन के नियम से क्या बच्चों ऐसा होगा, कोण आई बराबर कोण आर। क्या मेरी बात, ये इतनी बात समझ में आई आप लोगों की? क्या आप लोगों ने इतनी मेरी इतनी बात को पकड़ा, अच्छे से समझ में आई? पक्का? चले आगे। देखो अब क्या, कोण आई कौन सा है, पी क्यू सी, ये वाला ही तो है कोण आई बच्चों। कोण आई कौन सा है, पी क्यू सी। ओके, तो कोण आई की जगह मैं क्या लिख दूं, पी क्यू सी लिख दूं। तो कोण आई की जगह मैंने लिख दिया कोण पी क्यू सी बराबर कोण आर, बोलो कौन सा है, कोण आर बोलो कौन सा है, सी क्यू एफ। पी क्यू सी तो कोण आई है, कोण आर कौन सा है, सी क्यू एफ। ओके, तो इसकी जगह क्या लिख दूं, कोण सी क्यू एफ, इसको मैंने बोल दिया समीकरण एक। ओके बच्चों, यहां तक आप लोगों ने समझा, अच्छे से आगे बढ़े हैं। अब देखो आगे चलते हैं अपन, आगे चले तो अपने पास एक बात और निकल के आती है। एक देखो, एक जेड की आकृति बन रही है, देखो ये ध्यान से देखना, ये देखो पेन मार्कर कहां कहां से जा रहा है, ये लो, ये कौन सी, मैं यहां बनाता हूं ऐसे, एक जेड की आकृति बन रही है, ये डॉट डॉट लाइन है। क्या बच्चों ये जेड की आकृति आप लोगों को दिख रही है, मैं नाम लिख देता हूं, इसका पी है, इसका क्यू है, इसका सी है, इसका एफ है। क्या आप लोगों को ये जेड की आकृति दिख रही है जिसमें ये कोण तो अपन को आई दिया हुआ है, ठीक है, ये कोण आई दिया हुआ है, ठीक है। जड़ की आकृति में क्या होता है, जितना ये कोण होता है क्या उतना ये कोण होता है, अगर ये कोण आई है तो क्या ये कोण भी आई होगा। बात समझ में आई, कैसे, एकांतर कोण है, क्योंकि बच्चों ये समांतर लाइन है दोनों, ये समांतर है, ठीक है। तो मैं लिखूं यदि, यदि पी क्यू समांतर प्रकाश की किरण, या सीधा ही लिख दो, यदि पी क्यू ऐसे लिख लो, समांतर प्रकाश की किरण है तो, समांतर प्रकाश की किरण है तो क्या होगा, कौन सा कोण, पी क्यू सी, यानी कोण पी क्यू सी किसके बराबर होगा, बोलो पी क्यू सी किसके बराबर होगा, क्यू सी एफ के बराबर, कोण क्यू सी एफ। क्या बच्चों ये बात पकड़ी मेरी, ये बात आप लोगों की समझ में आई, कैसे बराबर है, कोष्टक में लिख लो, कैसे बराबर है दोनों, एकांतर कोण, कैसे बराबर है, एकांतर कोण, कैसे बराबर है बच्चों, एकांतर कोण है दोनों, इसको मैंने बोल दिया समीकरण दो। क्या बोला, समीकरण दो। ओके, पी क्यू सी, क्यू सी एफ, ये दोनों बराबर है, एकांतर कोण है, जड़ की आकृति बन रही है, जड़ की आकृति ऐसे बनती है, तो बच्चों एकांतर कोण होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ओके, ये बात समझ में आ गई, मेरे को लग रहा है कि आप लोग यहां तक साथ साथ पहुंचे हो, तो आप लोगों की इजाजत हो तो आगे बढ़े, थोड़ा सा बढ़े। ओके,
देखो समीकरण एक और दो को देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो समीकरण एक को, समीकरण दो को। समीकरण एक में पी क्यू सी, समीकरण दो में भी पी क्यू सी, यानी ये दोनों बराबर हैं। तो क्या ये दोनों भी बराबर होंगे? ये दोनों सेम सेम आ रहे हैं, पी क्यू सी सी क्यू एफ के बराबर है और पी क्यू सी क्यू सी एफ के बराबर है। तो क्या ये दोनों भी बराबर होंगे? तो मैं लिखूं समीकरण, समीकरण एक व समीकरण दो से क्या होगा, कोण सी क्यू एफ, कोण सी क्यू एफ बराबर कोण क्यू सी एफ। ये आ गई बच्चों समीकरण तीन। क्या यहां तक बच्चों आप लोगों की समझ में आया? आया क्या? नहीं आया तो इधर देखो, ये कोण आई है, जेड की आकृति बन रही है, तो क्या बच्चों ये भी कोण आई होगा? आई होगा, आई होगा ना। अब आई और आर दोनों बराबर हैं, ये देखो आई और आर दोनों परावर्तन के नियम से बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये दोनों कोण बराबर हो गए। अब ये कोण कौन सा है? पी क्यू नहीं सॉरी सी क्यू एफ, सी क्यू एफ किसके बराबर है? इस वाले कोण के, यानी क्यू सी एफ के, क्यू सी एफ दोनों बराबर हो गए ना। तो ये क्या हो गए बच्चों? दोनों बराबर हो गए। तो यहां तक आप लोगों को बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई तो बच्चों मैं आगे बढ़ता हूं। एक मेरे पास एक ही त्रिभुज है, कौन सा? सी क्यू एफ, ये त्रिभुज है छोटे वाला, इसमें ये दोनों कोण बराबर हैं। अब कोई भी त्रिभुज होता है इसमें दो, जिसमें दो कोण बराबर होते हैं तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि कोई भी दो त्रिभुज जिसके अंदर, कोई भी एक त्रिभुज है जिसके अंदर एक कोण बराबर, दो कोण बराबर है, तो बच्चों वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। कौन सा होता है वो? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, लिखूं आगे। देखो समीकरण, समीकरण तीन से स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि त्रिभुज सी क्यू एफ एक सम द्विबाहु, एक समद्विबाहु, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः अब समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों कि जो दो कोण बराबर हैं उनके आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है। मतलब ये जो कोण है इसके सामने की भुजा ये है, ये जो कोण है इसके सामने की भुजा ये है, तो ये दोनों भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगी। ये समद्विबाहु त्रिभुज की क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है, उसका गुणधर्म होता है कि जो दो कोण बराबर हैं उनके सामने की भुजाएं भी आपस में क्या होती है? बराबर होती है। अगर आप लोगों को पता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं पता तो उससे भी बढ़िया बात है, आज पता लग गया। ठीक है, वरना आगे आप पढ़ लोगे। ठीक है, तो क्या होगा? तो क्या मैं लिखूं सी एफ बराबर क्यू एफ, समीकरण चार। क्या बच्चों आप लोगों को ये बात समझ में आई? ये त्रिभुज हुआ मेरे पास, इसमें ये दोनों कोण मैंने बराबर सिद्ध कर दिए, ये दोनों कोण बराबर सिद्ध हो गए, तो मेरे को पता लगा कि जितनी ये भुजा है उतनी ये होगी। क्यों? क्योंकि ये त्रिभुज कौन सा हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज में जो दो कोण होते हैं, जो दो कोण बराबर होते हैं उनके सामने की भुजाएं भी आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी मैंने लगाई और लगा के इन दोनों को क्या कर दिया बच्चों? इक्वल कर दिया। यहां तक बोलो मेरे साथ साथ आप लोग पहुंचे हो तो बहुत ही बड़ी बात है, आप लोगों ने गढ़ जीत लिया। ठीक है, ओके। अब देखो ये हुई बात, ये अब मैं बोलूं कि यदि अपन क्या बोला कि एक छोटे द्वारक का अवतल दर्पण, जो अपन को सिद्ध करना था प्रश्न के अंदर, आप लोग कॉपी में देखो जो प्रश्न लिखा हुआ है कि एक छोटे द्वारक का अवतल दर्पण है। मतलब यदि जो दर्पण है उसका द्वारक छोटा है, द्वारक से मतलब क्या होता है बच्चों? कि ये जो दर्पण है ये जो इसका परावर्तक पृष्ठ होता है ये बहुत छोटा है। मतलब सीधा सीधा बोले तो अपन ये बोल सकते हैं दर्पण बहुत छोटा सा है। क्या है? बहुत छोटा दर्पण लिया है मैंने, तो अगर दर्पण छोटा होगा तो क्या होगा? तो मैं लिखूं यदि, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा
छोटा है तो अब देखो, अगर द्वारक छोटा होगा तो क्या होगा, आप लोग इसको ध्यान से समझना, ठीक है। एक बार भी बताऊंगा, एक बार भी समझ में आ जाना चाहिए। ये मान लो दर्पण है छोटा सा, क्योंकि द्वारक छोटा मतलब दर्पण छोटा है मेरे पास, ठीक है। अब एक प्रकाश की किरण है, वो मैं इसको भी जूम करके दिखाया, इससे भी छोटा है। प्रकाश की किरण जो ऐसे आपतित हो रही है समांतर, ऐसे आपतित हुई समांतर। अब ऐसे जो आपतित होगी परावर्तन के बाद में ऐसे जाएगी, मतलब ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट क्यू है, ये ओ के बहुत ज्यादा समीप है। ये जो क्यू पॉइंट है ये ओ के बहुत ज्यादा समीप है, छोटा सा होगा तो मान लो छोटा सा दर्पण है उसके ऊपर, ये इसकी मुख्य अक्ष है और इधर ही इसके बिल्कुल पास में, बिल्कुल एकदम पास से इसके क्या हो रहा है, ये प्रकाश की किरण गुजर रही है। कौन सी? ये पी क्यू, ठीक है। तो क्या होगा, मैं लिखूं तो बिंदु ओ के बहुत पास में होगा, बहुत नजदीक होगा, बहुत नजदीक होगा। तो क्या होगा, होगा अतः बहुत ज्यादा पास में होगा। तो क्या होगा बच्चों, बहुत ज्यादा पास में आ गया। देखो इधर इस क्या क्यों करें अपन खराब डायग्राम को, इतना अच्छा डायग्राम बनाया है पहली बार जो। ये लो छोटा सा दर्पण, वापिस से बताता हूं, वन सपोर टाइम। देखो ये बिल्कुल ऐसे पास से जा रही है, क्या आप लोगों को दिख रही है? जूम 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 नहीं जूम, ये प्रकाश की किरण बिल्कुल पास से जा रही है, ये ऐसे परावर्तित हो गई, ठीक है। अब ये बिंदु एफ है और ये बिंदु बच्चों मेरे पास क्या है, ओ है, और ये क्यू है बिल्कुल पास में इसके। तो जो ओ एफ होगा, वो क्यू एफ के बराबर होगा, लगभग लगभग बराबर होगा, क्योंकि दोनों ये जो पॉइंट है ये लगभग क्यू है, ये भी लगभग इसके पास में ही है, ठीक है। तो ये जो ये दूरी और ये दूरी लगभग बराबर होगी, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, अतः क्यू एफ लगभग बराबर है किसके बच्चों, ओ एफ के। ये देता हूं समीकरण 5। क्या बच्चों यहां तक आप लोग मेरे साथ साथ बढ़ रहे हो? अगर कहीं छूट गए हो तो कृपया टैक्सी पकड़ो और जल्दी से मेरे को पकड़ो, आगे निकल जाऊंगा ना। देखो अब देखो आगे, ये बात हुई। अब मैं समीकरण 4 को और समीकरण 5 को देखो, सी एफ क्यू एफ के बराबर है, क्यू एफ ओ एफ के बराबर है बच्चों। सी एफ क्यू एफ है, समझो क्यू एफ है वो सी एफ के बराबर आ रहा है, जो बच्चों क्यू एफ है वो सी एफ के बराबर आ रहा है और क्यू एफ ओ एफ के बराबर भी आ रहा है, यानी ये 5, ये क्यू एफ है वो 5 है और ये भी 5 होगा सी एफ। अब क्यू एफ 5 है तो ओ एफ नहीं 5 होना पड़ोगे, ये दोनों ही बराबर है, ये दोनों ही बराबर है। तो बच्चों सीधी बात यही है, सीधी सी बात निकल के यही आ रही है कि मैं लिखूंगा समीकरण 4 व 5 से। समीकरण 4 और 5 में देखो क्या होगा, क्या समीकरण 4 5 से तीनों बराबर होगा? ये समीकरण 4 5 से तीनों चीज बराबर होगी, ये क्या यह चीज था दिख रही है, ये क्या यह चीज दिख रही है था, ये तीनों सी एफ क्यू एफ और ओ एफ तीनों बराबर होगा ये। देखो ध्यान से देखो, अरे ध्यान से देख लो टीवी को, देख, अरे देख लो, ये देखो इस, ये जो डब्बे के अंदर बंद कर रखा है इसको ध्यान से देखो, इन दोनों को क्या सी एफ क्यू एफ के बराबर है और क्यू एफ ओ एफ के बराबर है, तो ये तीनों भी बराबर होगी। यहां तक आप लोगों ने किया, उसके आगे मैं लिख सकता हूं, अतः नहीं, मैं लिखता हूं जो बच्चों ओ सी है ना, ओ सी को मैं क्या लिख सकता हूं, जो ये ओ सी पूरा है इसको मैं क्या ओ एफ प्लस सी एफ लिख सकता हूं। बच्चों जो ये ओ सी है, ओ सी ये पूरा ओ सी, ये जो ओ सी है इसको ओ एफ, ओ सी पूरा इसको ओ एफ प्लस सी एफ लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं क्या? ओके क्या लिख सकता हूं, ओ एफ प्लस सी एफ। क्या यहां तक मेरी, वी कैन राइट हिंदी में लिख लो, हम लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, बहुत अच्छे से लिख सकते हैं सर हम, हाथ हमारे सही हैं। ओ सी को क्या लिख दिया मैंने, चित्र में देख लो, सागे सागे जो लिख रहे हो वो चित्र में देखो, दिख रहे हो भी
मन तो दिख रहे हैं, ओ सी में ओ एफ और सी एफ लिख सकूं मैं, दिख रहे था, दिख रहे तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो बच्चों ओ सी, अब देखो ओ सी एफ है ना, ओ एफ का बराबर कौन भी देखो, ओरियो ओरियो, तो सी एफ ने क्या, मैं ओ एफ लिख सकूं, लिख सकूं ना, तो ओ एफ एक तो पहले से है, एक ओ एफ मैंने ये लिख दिया, सी एफ को ओ एफ लिख दिया। क्या बच्चों यहां तक आप लोगों की बात समझ में आई? जो एक ओ सी था, इसको ओ एफ प्लस सी एफ मैंने लिखा, उसको जो सी एफ था उसकी जगह मैं ओ एफ लिख सकता हूँ, क्योंकि समीकरण ये देखो ऊपर से लिख सकता हूँ, ऊपर से ये देखो, ये समीकरण क्या बच्चों दिख रही है? ये दिख रहा तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं दिख रहा तो उससे भी बढ़िया बात है। लो तो ओ सी के आगे मेरे कर के आगे टू ओ एफ है, ओ सी के आगे टू ओ एफ है, ओ सी के है ओ सी बच्चों आर है। अब ये माइनस आर होता है वो आगे अपन साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे तब देख लेंगे, क्योंकि यहां पर तो दोनों चीजें कट रही है, ओ एफ क्या है एफ है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूं। बच्चों घबराना नहीं है आप लोगों को, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ये लो बच्चों यही तो अपन को सिद्ध करना था, इति इदम् हेंस प्रूव्ड, यही तो सिद्ध करना था। ठीक है ये लो, OC को लिख दिया टू OF, तो OC क्या होता है R होता है, बराबर OF क्या होता है F होता है, तो R बराबर टू F, देखो OC R है OF F है। ये सिद्ध करना था कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है, दुगुनी होती है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोग वीडियो को पॉज करो चक, और क्या करो इसको उतार लो ऐसा कैसा, और क्या करो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। ओके तो ये लो उतार लो वीडियो को पॉज करके, मैं हट गया हूं आगे से, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका आप, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बाद में आराम से इसको उतार सकते हो, या फिर वीडियो को पॉज करके अभी उतार सकते हो, एज यू विश। ओके ठीक है, आज के लिए बस इतना, बाकी रहेगा नेक्स्ट डे। धन्यवाद बच्चों।